वेलकम टू असम गर्ल व्लॉग। आज हमारी है घर वाली पिकनिक, तो आज हम मज़े से घर में पिकनिक कर रहे हैं सब कजिन्स लोग के साथ। और ये चावल वगैरह बाँधा गोभी कट रहे हैं यहाँ पे, पकोड़े तलने के लिए, एक्चुअली पकोड़े बनाए जाएंगे अभी। और ये बच्चा इतना क्यूट है, क्या बताऊँ इसके बारे में। सो ये काट के रेडी है, ये इतने अच्छे से काटा है उन्होंने। अब ये प्याज जो कि दी काट रही है अभी, लाइक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एडेड इन द पकौड़ा एंड ऑल्सो इन द चिकन। और कढ़ाई वहाँ पे है, कढ़ाई बिठा दिया गया है। अभी चावल को भी इधर भिगा दिया गया है, जो कि अभी तेल भी डाल रहे हैं। गाइस पकोड़े बन रहे हैं ठंडे ठंडे मौसम में, जो पिकनिक करके मज़ा आ रहा है। घर पे ही थे, बाहर का प्लान था, लेकिन क्या करूँ बाहर नहीं जा पाए, तो घर पे ही सोचा कर लेते हैं। लेकिन सबको ही मिलके बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा मतलब ठंड है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ठंड है, थोड़ा ठंड है, तो यहाँ पे तो पकौड़े तल रहे गाइस, मज़ा आ रहा है। और मैं ये कप उठाते हुए, क्योंकि चाय भी पियेंगे ना अपन पकौड़ा। ये फ़ोन उस कैमरा दीदी ने पकड़ा हुआ है एक्चुअली, इसीलिए मतलब ये है कि इसने इस तरह पकड़ा, फिर मैंने उसको बाद में सिखाया कि इसको इस तरह नहीं पकड़ता, इसको इस तरह पकड़ता है। तो गाइज मैं अंदर जा रही हूँ, अभी चाय है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चाय बन चुकी गैस पे। और यहाँ पे चावल के लिए वो भी पानी चढ़ा दिया गया है, चावल यहाँ पे चावल है तो डाला जाएगा इसको यहाँ पे। और ये आग जल रही है ना, इतना वार्म फीलिंग आ रही है सबको यहाँ पे बैठा हुआ, इतना मज़ा आ रहा है। देखो सब्जी वगैरह काट के रखा है, फीलिंग कुछ और ही है। और यहाँ पे वो क्या बोलते हैं इसको, दाल के लिए प्रिपरेशन है। और यहाँ पे चिकन के लिए सब कुछ मैरिनेट करके, सब कुछ पेस्ट वगैरह करके रख दिया गया है चिकन का। और अभी ये देखो, ये है तलता हुआ आलू, कि भज में आलू को फ्राई किया जा रहा है मोस्टली, क्योंकि वो हम लोग चिकन में ऐड करेंगे। बिग बिग पीस ऑफ आलू। अरे आलू नहीं खाओगे तो चालू कैसे खाओगे बेटा जी। तो ये है चिकन जिसको चढ़ा दिया गया है वहाँ पे, और सब कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पता नहीं क्या क्या ग्राफी लेके बैठ गए, क्योंकि सबको लेनी है चिकन की फ़ोटो। हाँ चिकन तो खास है ना बेटा, जो लोग चिकन खाते वही फील कर पाते हैं। चिकन खाया करो, शुद्ध रहा करो, क्योंकि चिकन इज़ लाइफ, लाइफ इज़ चिकन। वो यस नाइस, चिकन यहाँ पे चढ़ा दिया गया है। मैं ऐसी जगह पे खड़ी हुई है, यहाँ पे सबको हिला रहा, दो जन है हिलाने के लिए, क्योंकि नहीं तो पेट गिर गया तो भाई क्या खाएंगे। पता है क्योंकि इसकी देखो यहाँ पे मसाले ऐड किए जा रहे हैं अभी। मज़ा आ रहा है, वही मज़ा आ रहा है। कब प्रिपेयर होगा, कब खाएंगे यार, वाह कांट वेट टू ईट दिट, कांट वेट टू ईट इट। अरे मज़ा आ रहा है। चलो जल्दी बनाओ यार, जल्दी बनाओ। यहाँ पे मैं हाँ अभी मसाले डाल रहे हैं यार, यो रे बाप रे, मसाले बहुत सारे हैं। डल गए बेटा, मसाले भी डल गए। अभी ये इसका बहुत अच्छा चिकन बनेगा, अरे खाएंगे अपन, खाएंगे पिकनिक मनाएंगे, चिकन चिकन दबा के खाएंगे। तो चिकन का हो गया है वहाँ पे, मसाले को पानी से भी वो करके रख दिया जा रहा है। मज़ा आ रहा है। दी का फोटो दी ना, एप्पल लिया है वो, एप्पल नहीं सॉरी क्या है, वन प्लस एट प्रो नाइस। तो है ना, क्या अभी क्या बताऊँ यार, इसको सबको मिलाया जा रहा है, चिकन को पूरा अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। शी इज़ ट्राइंग टू लाइक लिटरली हेल्प इट डाउन। और ये है वो, दिख रहा है ना आपको, क्या बताऊँ मैं, टमाटर्स, और टमाटर इज़ लाइक गोइंग टू बी एडेड इन द चिकन। पता है आपको, एक चिकन और किचन में हमेशा मैं गड़बड़ करती हूँ, चिकन को चिकन बोलने, मतलब बस बता देती हूँ मैं ऐसा ही, क्योंकि चिकन किचन किचन ऐसा हो जाता है मेरा। और अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना गाइस, वहाँ पे खड़ी थी मैं, लाइक एक्चुअली यहाँ पे खड़ी थी, तो क्या हुआ वहाँ पे खड़ा होने का जगह नहीं मिला, तो सब ऐसा हो रहा था कि मैं वहाँ से चली आई। लेकिन यहाँ पे सब प्रिपरेशन वो क्या कहते हैं बैंगन के लिए, वहाँ पे धनिया पत्ता कट के रखा है देखो। और देखो ये बच्चा बहुत, ये बच्चा ना कभी अपने मम्मी को छोड़ता नहीं है, पता नहीं क्यों। वहाँ पे चिकन मिला दिया जा रहा है चिकन, और फ़ोन में फ़ोटोज़ लगी, ऐसा हो रहा है फ़ोटोज़ के लिए, भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। और रूम के अंदर यहाँ पे दाल का प्रिपरेशन हुआ है, सो यहाँ पे दाल बन गई है, बन के तैयार हो गई है वो, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। दाल के उबलते हुए देख के ना जो मज़ा आ रहा है ना, मतलब क्या बोलते, ये वेज मिक्स दाल है जो कि मामी ने बनाया, लाइक दिस इज लुक सो टेस्टी। ओ मैम जी, चिकन बन के ऑलमोस्ट तैयार है, दी इसको वो करी हिला रही है, मतलब नाड़ा चाड़ा कोड़ छे। और ये क्या कहते हैं इसको, चिकन इज लाइक गेट ऑलमोस्ट प्रिपेयर, ऑलमोस्ट डन। थोड़ा तो अभी होगा बैंगन का
भरता नहीं कहते इसको हम लोग, बेगुन पूरा ही कहते हैं ना। भरता इज लाइक जो बॉयल करके बनाया जाता है उसको भरता। सो अभी ये यहाँ पे आग पे डाल दिया जा रहा है। तो आज का आइटम क्या क्या है गाइस मैं बता देती हूँ। एक तो चिकन है, राइस बन गया, दाल है, पकौड़ा हम लोगों ने खा लिया, और बैगन का ये जो भी है, हाँ, बैगन का चोखा कह सकते हैं इसको, क्योंकि चला के बनाएंगे हम लोग। पकौड़ा बचा ही नहीं, इतना ज्यादा टेस्टी था ना पकौड़ा। थोड़ा सा बचा है, वो किसके लिए होगा गाइस। सब कुछ खाना वाना बन के तैयार हो चुका है, वो बैगन पूरा है, सब बच्चे खाने बैठ गए ऑलरेडी, और मैं यहाँ पे सब कोई बैठ गया। बच्चा ये रही, बहन मेरी नाच रही है। तो मैं वो क्या कहते हैं इसको, मैं आपको वो दिखा रही थी ना बैगन का जो मिलाने वाला था। तो ये रहता है बैगन का चोखा जो हम लोग बोलते हैं इसको, तेल मसाले नहीं, चिली सब डाल के, अनियन वगैरह डाल के इसको मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बंगाल में इज़ वेरी फेमस। एंड लाइक अभी क्या कहते हैं सब कोई खाने बैठ रहे, तो फिर परोसा जाएगा सबको ये सब। बच्चा पार्टी खा लेंगे, उसके बाद हम बड़े सब खाएंगे। बच्चा वी आर ईटिंग द लास्ट बैच, अभी सबको खाना खा रहे हैं, लास्ट बैच है ये। और ये मेरा प्लेट गाइस, मेरा गला बिल्कुल टूट गया है। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। डांस वगैरह कर रहे हैं और डिनर ख़त्म हो गया। आज का ये ब्लॉग मतलब लाइक आज का ये पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छा था, घर वाला पिकनिक था। अच्छा नहीं हुआ है नहीं, बहुत बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। Subscribe to my channel. I'll see you on my next vlog. Bye bye guys.